सुजानपुर नगर परिषद में चुनावी रोस्टर जारी होने के बाद लोगों ने चुनाव में उतरने का मन बना लिया है। सुजानपुर टीहरा वार्ड नंबर 9 से समीर वर्मा ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। एच टुडे के संवाददाता राजन मेहता ने समीर वर्मा से चुनाव लड़ने को लेकर विशेष बातचीत की है। ये मुद्दे हैं उनके लिए मैं चुनाव में उतर रहा हूँ और जो कमी रह गई है विकास में, मैं भी भाजपा का सच्चा सिपाही हूँ, उस कमी को पूरा करूंगा और उस कमी को पूरा करके मैं भाजपा को यहाँ पे और सशक्त करूंगा, ताकि लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं से भी लोग जो वंचित रह रहे हैं उनके लिए जो ये काम करते नजर आएंगे। और एस टुडे के लिए राजन मेहता, सुजानपुर टीहरा के लिए राजन मेहता लगातार चुनावों की अपडेट आपके साथ लेते रहे। बच चुका है सुजानपुर शहर में और विभिन्न वार्डों से जो लोग हैं वो खड़े होने के लिए भी अपने नामांकन आने वाले समय में भरेंगे और कुछ लोगों ने तो चुनावी घोषणा पत्र भी अपना तैयार करके लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया है। इसमें से एक जो युवा हैं समीर वर्मा जी, जिन्होंने सीएस के क्लियर करने के उपरांत भी नौकरी को तवज्जो ना देकर व्यापारिक प्रतिष्ठान चुनकर ही अपना कैरियर चुना है और अब ये चुनावों में खड़े होकर नया इतिहास रचने जा रहे हैं, जिसके लिए आज इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कार्य रहा कि आप चुनावों में जाएंगे और चुनाव जो वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी के रूप में अपना जो भविष्य है शुरुआत करेंगे और कहां तक इनकी जो दौड़ है वो रहेगी। जानेंगे समीर वर्मा जी से आज के एच टुडे की विशेष बातचीत में, इनसे जानेंगे कि क्या कारण है कि आप इस चुनावी दौड़ में सम्मिलित हुए हैं और आप भाजपा के पन्ना प्रमुख होने के नाते भी आप क्या कहेंगे इसमें। नमस्कार, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एच टुडे ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। मैं भाजपा से पन्ना प्रमुख हूँ और भाजपा कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और चुनावों में मेरा आने का कारण मेन यही है विकास। जो हमारी गली है वो टूटी हुई पड़ी है, नाले में सफाई नहीं होती है, बिजली के खंभों में लाइट नहीं है, लोगों को घर द्वार पर समय पर पानी नहीं पहुंचता है, तो मेन छोटे छोटे मुद्दे ही हैं हमारी गली मोहल्लों के जो मेरा मुद्दा है चुनाव में जाने का। और यही छोटे छोटे मुद्दे मेरे घोषणा पत्र के मुद्दे हैं, जैसे गली में इंटरलॉक टाइल लगवाना, पेवर टाइल लगवाना, दो करोड़ जो कचरा उठाया जाता था पहले वो फ्री होता था, अब उसके पैसे ले जाते हैं। तो मैं आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि ये फिर से निःशुल्क हो जाए। पोस्ट टैक्स का बोझ जो लोगों के ऊपर पड़ा है उसे भी मैं कम से कम करने की कोशिश करूँगा ताकि आम जनता के ऊपर कोई भी बोझ ना पड़े। तो ये मेरे कुछ मुद्दे हैं जिनके कारण मैं चुनावों में आना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा मुद्दा है बुजुर्गों का, महिलाओं का और बच्चों का। हमारी सिटी में सीसीटीवी वायरलेस कैमराज नहीं है, तो मैं चाहता हूँ सीसीटीवी वायरलेस कैमरा लगे नगर परिषद की ओर से और हम ये प्रपोजल लेकर आए जब हमारी नगर परिषद बने, ताकि बच्चों की, महिलाओं की और बुजुर्गों की सुरक्षा की जा सके। सर, आप पन्ना प्रमुख भी हैं भाजपा के, तो आप क्या, आपको पार्टी के द्वारा टिकट मिली है क्या, अपने ही आप से आप जो चुनावी हैं लड़ेंगे, क्या लगता है आपको? पार्टी में भी मेरा टिकट के लिए नाम गया हुआ है, बाकी धूमल जी का, अनुराग जी का शुरू से ही मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूँ धूमल जी और अनुराग जी का। और ये चुनाव जो होता है इंडिपेंडेंट चुनाव निशान पर चुनाव लड़ा जाता है, इसमें पार्टी चुनाव निशान पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। और अगर मैं सीट की जीतता हूँ तो ये जीत भाजपा की जीत होगी और ये सीट भाजपा की गोली में जाएगी वार्ड नंबर 9 की। सर, आपने बोला कि ये चुनाव जो है चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ा जाता है, तो पन्ना प्रमुख होने के नाते आपको अनुशासन में रहकर ही चुनाव लड़ना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि जो क्या ये डिटेल डिग्री फाइनल होगी, क्या आपने बात की है अपने उन भाजपा नेताओं के साथ या पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय से बात चल रही है? महामंत्री को भी मैंने ज्ञात करवाया है कि मैं पार्टी के लिए तत्पर कार्य करता हूँ और अपने वार्ड से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैंने सबको ज्ञात करवा रखा है और मैं इस दौड़ में शामिल हूँ। सर, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तब भी चुनाव लड़ते नजर आएंगे, क्या लगता है आपको? ये जनता की राय के ऊपर डिपेंड करता है, जनता क्या चाहती है। कि जनता चाहती है मैं चुनाव लड़ूँ, अभी तो मेरे पास 100 से ज़्यादा लोग हैं जो मेरा समर्थन कर रहे हैं मेरे वार्ड से कि समीर वर्मा जी आप चुनाव लड़िए और हमारे मुद्दे उठाइए और नगर परिषद में हमारे मुद्दे लेके जाइए और इनको सोल्व करवाइए। तो अभी मेरे को जनता का समर्थन मिल रहा है और अगर जनता का समर्थन मिलता रहा, जनता का प्यार मिलता रहा, तो मैं चुनाव लड़ूंगा और ये सीट पार्टी की थी, पार्टी की है और पार्टी की झोली में ही डालूंगा। सर, वर्तमान सरकार भी भाजपा की ही सत्ताहीन है और आप बोल रहे हैं कि विकास के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते नजर आ रहे हैं, आपने एजेंडा भी निकाला, और क्या लग रहा है कि भाजपा जो सरकार है वो विकास करती नजर नहीं आ रही है, क्या लगता है सर आप? कमी भाजपा सरकार की नहीं, कमी यहाँ कुछ पदाधिकारियों की है या कमी यहाँ के जो हमने चुने हुए चुनिंदे हैं, कमी उनकी है।
जो भाजपा सरकार से विकास नहीं करवा सके, जो सरकार से पैसा नहीं ले सके। अब होलियों का पैसा यहाँ से डीजी हमीरपुर में जाता है लेकिन उनसे पैसा नहीं ले सके, 33% शायद वापस मिलता है लेकिन नहीं ले सके, और वो पैसा विकास के कामों में नहीं लगा सके। कमी कुछ वहाँ पे रह गई है कि वो पैसा विकास के कार्य में नहीं लगा सका, क्योंकि अभी बस स्टैंड की खस्ता हालत है। अभी 2 दिन पहले ही थोड़े थोड़े खड्डे भरे गए हैं, पिछले बस स्टैंडों में पिछले 5 सालों से बस स्टैंड में खड्डे ही खड्डे हैं। अगर कोई सवारी उतरेगी पालमपुर की उतरेगी, शिमला की उतरेगी, कहीं से भी आती है सवारी, चंडीगढ़ से आती है, तो पहले वो बस स्टैंड में उतरती है। हमारे शहर की छवि वहां से डिस्क्राइब होती है कि शहर कैसा है। लोग कहते हैं खड्डों का शहर है, बरसात में कहते हैं पानी में मेंढक होते हैं यहाँ पे। तो हम उस छवि को सुधारने के लिए ही राजनीति में उतरे हैं। विकास अगर हुआ होता तो मैं राजनीति में उतरता ही नहीं। सर, क्या लगता है कि भाजपा सरकार में जो 2.5 साल जीते हैं उसमें विकास नहीं हो पाया है, क्या कहेंगे आप? अपने आप पन्ना प्रमुख भी हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है अपनी सरकार में कुछ कमियां रही हैं, क्या लगता है आपको? जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था, जिस रफ्तार से सड़कें नालियां और जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था, उस रफ्तार से विकास नहीं हो पाया है। चाहे मुद्दा कोई भी हो, जो मैंने मुद्दे उठाए हैं वो जायज हैं। बस स्टैंड में इंटरलॉक टाइल लगाना जायज मुद्दा है, डोर टू डोर कचरा निःशुल्क उठाया जाए वो जायज मुद्दा है, हॉस्ट टैक्स का जो बोझ लोगों के ऊपर डाला है उसको कम करना जायज मुद्दा है। हमारे शहर में आज तक सीसीटीवी वायरलेस कैमरा नहीं लग पाए हैं, क्या लोगों की सुरक्षा को हम कैसे